आप सभी लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, ये भाजपा के महासचिव विनोद तावड़े हैं, जो नाला सुपारा के एक होटल में जनता के द्वारा पकड़े गए हुए हैं। उन पे ये आरोप लगा हुआ है कि ये पैसे बांट रहे हैं। इनके पास एक काली बैग और 5 करोड़ रुपए और एक लाल डायरी बरामद हुई है। क्या ये उचित समय है? ये एक लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। कल महाराष्ट्र में इलेक्शन है और आज बीजेपी के लोग पैसे बांट रहे हैं। नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूं। मैं अभी अभी खबर आई हुई है, कुछ घंटे पहले खबर आई हुई है कि महाराष्ट्र के नेता विनोद तावड़े, जो नाला सुपारा एक जगह है, वहां के एक होटल में 5 करोड़ रुपए उनसे बरामद की गई हुई और एक डायरी मिली हुई है। उस डायरी में शायद 15 करोड़ रुपए का उनके कार्यकर्ताओं के साथ, कार्यकर्ताओं का कुछ लेन देन का उसमें हिसाब है। तो प्रबुल जी, आप इस पे क्या कहेंगे कि कल इलेक्शन है और आज ये पैसे पकड़े जा रहे? और यही चीज नासिक में भी शिंदे ग्रुप के कार्यकर्ता, उनके पास एक होटल में 2 करोड़ रुपए पाए गए हुए, इस पे आप क्या कहेंगे? नमस्कार। कल महाराष्ट्र में चुनाव है, कल झारखंड में दूसरे चरण का चुनाव है। चुनाव आयोग पंगु हो चुका है। जिस तरीके से विनोद तावड़े, जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, उनके होटल के कमरे से 5 करोड़ रुपये बरामद होता है और एक लाल डायरी बरामद होती है जिसमें 15 करोड़ रुपये का जिक्र है लेन देन का, पैसा बांटने का। दूसरा, एक नासिक में शिंदे गुट के एक नेता के पास से 2 करोड़ रुपये बरामद होते हैं। इसका अर्थ है कि अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार महोदय ने एक आरोप लगाया था, एक बात कही थी कि 3400 करोड़ रुपया गुजरात से कंटेनर में भरकर मुंबई महाराष्ट्र में बंटने के लाया। 3400 करोड़ रुपया एक उद्योगपति ने दिया है जिसका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, मुंबई में इंटरेस्ट है, और वो सब आप समझ सकते हो कौन सा होगा, जिसके बारे में कल राहुल गांधी जी ने कहा। एक ही उद्योगपति, उसका नाम है अडानी। क्या ये अडानी का पैसा है? क्या अडानी ने ये पैसे दिए हैं बांटने के लिए? 3400 करोड़ रुपए की बात हुई थी और ये जो है चुनाव आयोग सोया हुआ है। 5 करोड़ पकड़ा गया, 15 करोड़ रुपए में बढ़ चुका, यानी 10 करोड़ बढ़ चुका था, 5 करोड़ पकड़ा गया। यानी ये वो पैसा है जो बटकने के बाद बचा हुआ था, बांटा कितना गया पता नहीं। एक एक वोटर की कीमत 10,000 रुपए लगाई जा रही है, ये महाराष्ट्र से खबरें आ रही। इसका अर्थ है कि ये पूरा चुनाव पैसे के दम पर, काले धन पर लड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे आज से 8 साल पहले नोटबंदी के दौरान कि काला धन समाप्त हो जाएगा। तो ये पैसा किसका है? ये काला धन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अडानी का है, जो वहां पर सरकार को बनाने के लिए, वोटों को खरीदने के लिए चोरी कराए गए। ये तो जनता पकड़ रही है, चाहे शिंदे गुट के आदमी को पकड़ा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पकड़ा हो, और अभी हो सकता है और भी पकड़ा गया हो, अभी बट रहा होगा। ये चुनाव आयुक्त इस देश का सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति है। इसने देश के लोकतंत्र को समाप्त करने की बात की। मैं 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इस देश के आम आदमी की क्या होगा, इस देश का किसान कैसे लड़ेगा? और जो पैसों के दम पर विधानसभाओं में जाएंगे, वो नीतियां किन के लिए बनाएंगे? वो नीतियां अडानी के लिए बनेंगी। तो प्रदेश की जनता, महाराष्ट्र के प्रदेश की जनता हो या झारखंड की जनता हो, ये देखे लड़ाई आपकी इन काले धनों से है। और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस, मोहन भागवत काले धन का प्रयोग कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर केस होना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर रीढ़ की हड्डी हो तो भारतीय जनता पार्टी का जो
संबद्धता है आपके साथ, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए, मैं ये मांग करता हूं। इस बेईमानी से लोकतंत्र बचेगा, इस चोरी से लोकतंत्र बचेगा, ये काले धन के दुरुपयोग से देश के लोकतंत्र को लहूलुहान करने का काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को उठ खड़े होना चाहिए। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाल कार्ड बांटा जा रहा है, समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के तमाम नेताओं को लाल कार्ड से निरुद्ध करके उनको पकड़ा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन बेईमानी पे उतर गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहा है। अब विनोद तावड़े को किसी जो राष्ट्रीय महासचिव भाजपा, उसको किसी चुनाव आयोग के उड़न दस्ते ने नहीं पकड़ा है, उनको जनता ने पकड़ा है। शिंदे के गुट के आदमी को किसी चुनाव आयोग के दस्ते ने नहीं पकड़ा, उसको भी जनता ने पकड़ा है। अब जनता उठ खड़ी हुई है। अब मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं, आप समाज के परिवर्तन की धारा वाले हैं, शिवाजी महाराज के को मानने वाले हैं, ज्योतिबा फुले जी को मानने वाले हैं, अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, आप लोग परिवर्तन करिए और भारतीय जनता पार्टी और उसके महायुति को इन बेईमानों के शासन को उखाड़ फेंकने का काम कर करिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।